अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मेरे साथ मेरी दोस्त मौजूद है किरण। हम लोग आजकल नहीं बल्कि देख रहे हैं स्पोर्ट्स को। इससे पहले हमने वर्ल्ड कप कवर किया और आजकल अच्छा एक्सपीरियंस था। हाँ, लेकिन चले इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया, लेकिन कोई बात नहीं। अब हमारा सॉरी, हाँ ये मैं इसलिए इंटरप्ट कर रही थी कि किरण से जानना चाह रही थी कि किरण को जो है वो कितना नो हाउ है, क्योंकि इंडिया ने इतने ज्यादा मैचेस जीते तो हमें लगा था कि यार इंडिया को जिता रही थी। इसकी 20 इंडिया जीते लेकिन ऑस्ट्रेलिया करती नहीं। असल में इंडिया ने इतने ज्यादा मैचेस जीते कि सबके जहन में था कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किस्मत ने साथ नहीं दिया और ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप ले गया। अब पाकिस्तान, सॉरी मैं आपकी आवाज यहाँ पे काट रही हूँ, लेकिन ये चीज होती है हमेशा से। अगर आप देखें, एक टीम अगर अपने स्टेट ग्रुप में भी कोई मैच नहीं हारी और लगातार मैच जीतते हुए आ रही है तो सेमीफाइनल या फाइनल डेफिनेटली हार रही है। मतलब एक रन के कहने का मतलब है कि एक मैच इंडिया को बीच में ही हारना चाहिए था ताकि वो वर्ल्ड कप जीत जाते। खैर, पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली बहुत पहले ही निकल गया था वर्ल्ड कप से, सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंचा। लेकिन अब पाकिस्तान के लिए अच्छी बात यह है कि दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए यहाँ पर भरपूर तैयारियां जा रही है। बिल्कुल, एग्जैक्टली दूसरा दिन है आज कैंप का, यहाँ पर पाकिस्तान टीम का कैंप लगा हुआ है और तकरीबन ये कैंप जो है वो 4 रोज तक जारी रहेगा। कल से वामा मैच 2 दिन के लिए शुरू हो जाएगा और फिर इसके बाद 29 को ये खिलाड़ी वापस चले जाएंगे और 30 को फ्लाई कर जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए। हमारी टीम काफ़ी पहले जा रही है ऑस्ट्रेलिया ताकि वहाँ की जो विकेट्स हैं, जो चीज़ें हैं, इन्वायरमेंट है, उसके साथ यूज़ टू हो सकें, एडजस्ट हो सकें।